बाकी वो मनोज दे भाई, आपको मैं एक बार बता दूं, अगर आप स्किप तक ये वीडियो पहुंच जाए भाई, थोड़ा अलग वीडियो बना लो। 2 लाख रुपया का जो आपने बोर्ड खरीदा है, मेरे ख्याल से उस बोर्ड का तो पैसा वसूल हो गया होगा आपका। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। मेरा नाम अनुज है और मैं एक छोटा सा बिजनेसमैन हूँ। बेसिकली ये वीडियो काइंड ऑफ ब्लॉग नहीं है, एक आप बोल सकते हो कि रिएक्शन वीडियो है। एक्चुअली मैं आज ऐसे ही स्क्रॉल कर रहा था यूट्यूब, फ्री थोड़ा था, तो स्क्रॉल करते करते मैंने देखा कई सारे ऐसे वीडियोस मुझे मिले। मतलब एक वीडियो पहले तो मुझे मिला, ये झारखंड का एक यूट्यूबर है जिसका 3-3.5 मिलियन सब्सक्राइबर है, उसको आप जानते होंगे, उसका नाम मनोज डे है। मैंने देखा उसके चैनल पर यूट्यूब के रिलेटेड ही मैक्सिमम वीडियोज़ मुझे अभी रिसेंटली दिख रहे थे। मैंने सोचा कि चलो ठीक है, ये एक अच्छा टॉपिक है, अच्छा चीज़ सिखा रहा है, एक बंदा है जो मतलब टीच कर रहा है लोगों को कि कैसे यूट्यूब पे वीडियो बनाना चाहिए और कैसे कैसे क्या आगे हो सकता है। वो मैंने बंद किया, हटाया, फिर देखा मैंने, एक होता है ना कि पॉपअप आया, पॉपअप में देखा मैंने एक नया यूट्यूबर जो सेम इसी तरह का एक लर्निंग वीडियो बना के डाला हुआ है कि यूट्यूब पर पैसे कैसे कमाएं, यूट्यूब के वीडियो वायरल कैसे करें, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने का सही तरीका क्या है, यूट्यूब पे टाइटल कैसे डाले, थंबनेल कैसे बनाए, मतलब इस तरह का वीडियो उसके चैनल पे मैंने देखा कि मैक्सिमम क्या हुआ, सारे यही वीडियो बना के उसका चैनल ग्रो किया हुआ है। तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि ये टॉपिक जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मतलब लोग पैसे कमा रहे हैं, अच्छे खासे व्यूज जिसमें आ रहे हैं लोगों का, अच्छा खासा ट्रैफिक जनरेट हो रहा है। मैंने सोचा कि किला एक वीडियो है तो मैं इस पर थोड़ा सा एक अपना रिएक्शन दे दूं। ये टॉपिक मेरे को लगता है कि ये टॉपिक अभी जो है बहुत बड़े बड़े, एक्चुअली बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे इंडिया में हैं। ब्लॉगिंग में सौरभ जोशी है, फिर कैरी मिनाती को आप जानते हैं जो रोज चैनल उसका चलता है, टेक्निकल गुरु जी को आप जानते हैं, भुवन बाम को आप जानते होंगे, तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं। ऐसे ऐसे लोगों के दिमाग में ये सारी चीज़ें नहीं आई आज तक, बट ये जो स्मॉल टाउन यूट्यूबर्स हैं, स्मॉल टाउन समझ रहे हो, जैसे जमशेदपुर हो गया, झारखंड हो गया, रांची हो गया, रामगढ़ हो गया, ये आजकल मैं देख रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, गलत है या कुछ भी है, मैं इन चीज़ों पर बात कर रहा हूँ कि इन लोगों को सपोर्ट कितना मिल रहा है, पब्लिक कितना सपोर्ट कर रही है, जो कि अच्छा चीज़ है। मतलब अभी सोशल मीडिया और इंटरनेट की दुनिया में एक ऐसा चीज़ आ गया कि कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके हाथ में स्मार्टफोन है और वो बोल देगा कि मैं बेरोजगार हूँ, मेरे पास नौकरी नहीं है या कमाने का रास्ता नहीं है, तो वो इंसान अपने आप को धोखा दे रहा है। मतलब मैं देख, आप एक चीज़ से रिलेट करोगे, एक चैनल है विजय रिया, विजय रिया नाम का एक चैनल है, वो ब्लॉगिंग करते हैं उन लोग, मतलब हस्बैंड वाइफ, एक बच्चा है उनका भाई, उनको मैंने देखा है वो अपने भाई, वो कुछ भी करते हैं ना, माड़ भात खा रहे हैं उसका वीडियो बना के डाल देते हैं, या किसी भी तरह का एक होता नदी, भैया आप जिस तालाब में खाते हो उसी में आप थूक रहे हो, उसी को पानी यूज़ कर रहे हो, उसी में नहा भी रहे हो, इस तरह का मतलब बिल्कुल होता ना लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करने वाले लोग हैं, गाँव में रहते हैं, वो भी झारखंड के किसी रामगढ़ के आसपास कोई गांव है वहां के साथ है, मैं उतना डिटेल में उतना मैंने घुसा नहीं है, मैंने 2-4 वीडियोज़ देखा था तो मैंने उसको देखा था। तो भाई ऐसे ऐसे लोग अगर वीडियोस बन डाल के पैसे कमा रहे हैं, तो भाई आज का युवा जो है अगर वो बोल दे कि मेरे पास रोजगार नहीं है, भाई चप्पल पहन लो, जूता पहन लो, अच्छा ड्रेस पहन लो, बुलेट खरीद लो, आईफोन के लिए जिद कर लो, खाना पीना छोड़कर गाड़ी खरीदवा लो, भाई इनसे कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ एक चीज़ मिलेगा, आपका बाबूजी का पैसा का सत्यानाश होगा, उससे अधिक कुछ नहीं मिलेगा। तो ऐसा काम मत करो, करो ऐसा काम जिससे कुछ काम बने, किसी का फ्यूचर बने। और यार मैं एक चीज़ बोलूँगा, जितने भी बड़े क्रिएटर हो चाहे छोटे क्रिएटर हो, आप टीच कर रहे हो, लर्निंग दे रहे हो, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस बना रहे, डालिए, बट अपना अर्निंग के लिए अगर किसी को आप, क्योंकि देखो ये तो मुझे लगता है कि आपका गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप अर्निंग दिखा रहे हो भाई। आप बाकी वो मनोज दे भाई, आपको मैं एक बार बता दूं, अगर आप स्किप तक ये वीडियो पहुंच जाए भाई, थोड़ा अलग वीडियो बना लो। 2 लाख रुपए का जो आपने बोर्ड खरीदा है, मेरे ख्याल से उस बोर्ड का तो पैसा वसूल हो गया होगा आपका। कुछ अलग वीडियोस बना लो, टेक्निकल चीज़ों में बहुत सारे चीज़ और भी आते हैं, सिर्फ यूट्यूब ही नहीं है,
यूट्यूब से रिलेटेड वीडियो बना बना के आप हमेशा बोलते हो कि सब्सक्राइब कर लो, यूट्यूब से रिलेटेड वीडियोस आते रहेंगे, मिलते रहेंगे, तो भाई थोड़ा सा अलग कर लो। और बाकी हेट मत देना भाई मेरे को, और मैं बाकी जो मेरे ही वीडियोस देख रहे हैं लोग उनसे मैं बोलूँगा इन लोगों को हेट मत देना, ये लोग सच में मेहनत कर रहे हैं, बिना मेहनत के तो भाई कोई आगे सक्सेस नहीं करता है। हाँ थोड़ा सा नज़रिया लोगों का अलग होता है, ये अलग मेरे ख्याल से अभी के टाइम पे सोशल मीडिया और इंटरनेट में बहुत ताकत है, तो दोस्तों इस ताकत का सही इस्तेमाल कीजिए। और मेरा ये वीडियो अगर पसंद आ रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों से, और अगर आपको मेरा वीडियोस, मेरा कंटेंट आपको इस तरह का और चाहिए और आप लोग चाहते हैं कि मैं इस तरह का कोई रिएक्शन वीडियो किसी और क्रिएटर को लेकर, किसी और टॉपिक को लेकर बनाऊं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन में ज़रूर ऑल दबा दीजिएगा। सारे लोग बोलते हैं, मैं भी आज बोल दे रहा हूँ, मेरा चैनल बहुत बड़ा नहीं है, मेरे ख्याल से 10 या 11 12 टाइप कुछ सब्सक्राइबर है, बट हाँ मैं चाहता हूँ कि मैं भी अपने व्यूज़ और अपना पॉइंट्स, अपने मेरे थॉट्स जो है यूट्यूब से लेकर, यूट्यूब के क्रिएटर्स को लेकर और अपना पर्सनल लाइफ को लेकर मैं आपसे शेयर करूं। हाँ मैं एक्चुअली मैं भी एक छोटा ही बोलो मतलब मैं स्टेबल बिजनेसमैन हूँ, मैं अपने लाइफ को अच्छे से चला रहा हूँ, शादीशुदा हूँ, बेटी है, परिवार है, भरा पूरा संसार है, सब ठीक है, दोस्ती यारी सब बढ़िया है। हाँ थोड़ा सा टाइम मिल जाता है तो मैं एक्चुअली इससे पहले वीडियोस कंटेंट क्रिएटर के रूप में काम किया हूँ, बट किसी चैनल के लिए नहीं, बेसिकली मैं नापतोल में काम किया हूँ, नापतोल और होम्स 18 चैनल जो है ना, इन चीज़ों में मैंने काम किया है। मैं AV प्रोड्यूसर था, जो ऑडियो विजुअल्स बनते हैं ना, जो मॉडल शूट्स, प्रोडक्ट शूट्स, ब्यूटी शॉट्स होते थे, वो चीज़ को मैं प्रोड्यूस करता था। खैर दोस्तों इस वीडियो को मैं यही ख़त्म कर रहा हूँ, आशा है कि आपको मेरा इस टॉपिक, इस पॉइंट को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, समझ सकते हो, आशा है कि आपको मेरा ये टॉपिक पसंद आया होगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करना अगर इस तरह का टॉपिक पे और वीडियोस आपको चाहिए तो। थैंक यू, बाय।